यार हस्की डॉग ने भाई हमारी बत्तख मार दी भाई। जा पढ़ ले इसके लिए, पढ़ लेगा थोड़ा सा। ए ठीक है पढ़ लेगा इसके लिए। जा और दूसरे वाली क्या करा हो हैं, क्या करा हो? आज का जो मौसम है गाइस वो ज्यादा खराब भी नहीं है और ज्यादा सही भी नहीं है। थोड़े थोड़े बादल हैं, देखो थोड़े थोड़े बादल हैं, बारिश हो सकती है आज दिन में क्योंकि साइड में बादल दिखाई दे रही है, गर्मी है, धूप है। तो फिलहाल गाइस मिनी जू के अंदर जाकर देखते हैं क्या हाल है हमारे परिंदों के। लेकिन पहले आप अगर देखेंगे भाई साहब हमारे पैरेट्स को, यहाँ पर हमने पैरेट्स अपने बाहर रख रखे हैं। यहाँ पर इसके साथ का एक पैरेट भाग गया भाई, बेचारा अकेला रह गया। अकेला रहने के बाद इसको कोई टेंशन भी नहीं है भाई साहब, ये तो ये सोचता है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये ग्रीन वाले पैरेट्स होते हैं ना ये जंगली होते हैं, ये रह लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ लव बर्ड्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है बेचारी को, जो लव बर्ड्स के साथ ही उड़ी है भाई इसको बहुत दिक्कत हो रही है, ये बेचारी बहुत परेशान है, इसका दिल भी नहीं लग रहा है। ये लव बर्ड्स तो बेचारी दुखी है, इसके साथ का जो पार्टनर भाग गया उड़कर ये दुखी है। अब पता नहीं यार उस पार्टनर के साथ में क्या तो हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, बेचारा जिंदा भी आया किसी जानवर ने खा लिया पता नहीं। तो फिलहाल चलते हैं मिनी जू में देखते हैं जाकर भाई हमारे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मिनी जू के अंदर और मेरे हाथ में दूध हमारे डॉग्स के लिए। और भाई देखो कैसे बैठे हैं, सारे पंछी बंद है, मौसम आज इतना खराब नहीं है, मौसम ठीक ठाक है। देखो भाई कैसे कर रहे हैं दोनों के दोनों। हेलो तुम्हें क्या हुआ, चुप हो जाओ यार बहुत ज्यादा चिल्लाती है। हाँ बेटा दूध आ जाओ, चलो 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 आराम से खेल लो। पहले इसने रात को एक बार किया भाई, इसको ना लूज मोशन हो गए थे, अभी फिलहाल थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, उसको भूख लगी है जबरदस्त वाली। इसका दूध बना देता हूँ पहले से भाई जल्दी से। अबे सुसु तो कर ले सही तरह, बना रहा हूँ। तो गाइस हमने अपने रॉक्सी और ल्यूना, यार हमने इसका नाम जैक्स रखा था लेकिन जैक्स पसंद नहीं आ रहा घर वालों को, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया भाई साहब रॉक्सी और इसका नाम रख दिया भाई साहब ल्यूना। ल्यूना तो सही नाम है। और देखो कैसे गुड़ा रहा है, कोई नहीं आ रहा भाई तेरे पास आराम से पीले। तो ये ल्यूना है, ये रॉक्सी है, दोनों के नाम आज से रॉक्सी और ल्यूना है गाइज, यही नाम रहने वाले अभी इन दोनों के। तो रॉक्सी और ल्यूना ये हमारे डॉग्स के नाम है। जो हमारे रॉक्सी और ल्यूना है उन दोनों को तो मैंने भाई दूध दे दिया है और कबूतरों को मैंने दाना डाल दिया है, खरगोश और बाकी बहुत परिंदे रह गए हैं भाई। गाइस डॉक्टर ने रॉक्सी और ल्यूना की जो हाई डाइट है वो बंद कर रखी है, यानी कि हैवी डाइट अभी बंद कर रखी है, क्योंकि ल्यूना को थोड़े से लूज मोशन हो गया था इस वजह से, उसकी वजह से जो है हमारे रॉक्सी की भी डाइट थोड़ी हल्की हो गई, नहीं तो मैं उनको प्योर दूध दे रहा था, प्योर दूध के लिए बिल्कुल उनको मना किया है। और वैसे प्योर दूध नुकसान ही देता है गाइस, ये तो मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं सोच रहा था इनकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी इसलिए मैं प्योर दूध देना शुरू कर दिया इनको। लेकिन भाई अब जो है मैं इसको थोड़ा हल्का दे रहा हूँ दूध और उसके अंदर जो है सेरेलेक मिलाकर दे रहा हूँ। मुर्गा मुर्गी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है बाहर आने के लिए, ये सोच रहे भाई जल्दी से हमें भी खोल लो, मैं इनको खोल देता हूँ क्योंकि ये तो इतना परेशान नहीं करते हैं। आ जाओ मुर्गा मुर्गी इतना परेशान नहीं करते हैं कबूतरों को जितना परेशान बत्तखे करती है, बत्तखे ज़्यादा परेशान करती है हमारी कबूतरों को। और जो है कल तो मैंने भाई अपने पार्क के अंदर ही सारा को सबके सबको रखा था, और जो है अभी हमारे कबूतर भाई कुछ उड़ना भी शुरू हो गए, मुझे ये डर है कि इनमें से कुछ कबूतर भाग ना जाए हमारे। और ल्यूना और देखो गाइस ल्यूना कैसे कर रही है, ल्यूना और जो हमारा रॉक्सी है इनको अंदर है ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है भाई, ये बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। कल तो मुर्गे मुर्गे के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, ये नाड़ पकड़ रहे थे इनके, लेकिन मुर्गे मुर्गे इतनी जल्दी से हाथ इनके नहीं आने वाले हैं, ये तो मुझे पता है। हमारे जो बत्तखे भाई साहब इसने बहुत रुख का उतार रखा है, बहुत ज़्यादा रुख का उतार रखा है, अगर मैं इनको खोल देना इनको सबको परेशान कर देगी, तो मैं अभी इनको बिल्कुल भी नहीं खोलने वाला। हाँ छोटे बच्चों खोल देता हूँ, जो हमारे गिनी फॉल के बच्चे हैं उनको खोल देता हूँ, क्योंकि गिनी फॉल के बच्चे तो भाई बाहर घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तरक्की मुर्गा मुर्गी भाई बंद है यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर नहीं आना, अरे उधर क्यों चली गई, चलो चलो दाना चुग लो। भाई जो हमारा मछलियों का फाउंटेन है भाई ये थोड़ा सा गंदा पानी हो गया इसका बारिश की वजह से, क्योंकि जो बारिश आई थी ना उसमें गंदा पानी होता है थोड़ा, तो देखो पानी पीला पीला हो गया है। तो यार आज अगर टाइम लगता है इसको पानी को बदलूंगा और जो हमारी मछलियाँ कहाँ कहाँ पर फिर, शुक्र यार आज कोई मछली नहीं मरी हमारी,
एक मछली वहां तो ये रखते भाई, उन्होंने देखो बच्चों ने कहा तो ये रख दिया मरी हुई मछली। तो ये जो मछली है आज सारी की सारी ठीक है भाई, ताजा पानी चला देता हूँ थोड़ा सा ताकि फ्रेश पानी इनको मिल जाए इसके अंदर। इनको भूख लग रही है भाई, इनको भी डाल देता हूँ इनका दाना। इनका पानी ज्यादा नहीं भरूंगा, थोड़ा कम पानी भरूंगा ताकि बारिश की वजह से इनका पानी ज्यादा ओवर फ्लो ना हो जाए, ये तो भाई सारी बाहर निकल जाएगी। तो भाई हम मछलियाँ तकरीबन 30-35 लेकर आए थे, इसमें से 10-15 मछली हमारी मर चुकी है। हमें समझ नहीं आया वो मछलियाँ मरी क्यों है, ज्यादा दाना डालने से मरी है या फिर जो है उनको पानी की वजह से कोई दिक्कत हुई है या फिर क्या हुआ, उनको समझ नहीं आया भाई हमें तो। लेकिन हमारी जो मछलियाँ भाई मरी है, 8-10 मछलियाँ हमारी मरी है। तो कोई नहीं यार, होता है, मछलियाँ तो मरती भी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई कैसे मछली दाना खा रही है, इनको भूख लग रही है भाई, ये देखो देख रहे हो आप कितने अच्छी तरीके से मछलियाँ दाना खा रही है। खूबसूरत लगती है भाई मछलियाँ, बहुत खूबसूरत लगती है। बड़ी मछली हमारे नीचे ही है भाई, उनको भूख नहीं लगेगा बड़ी मछलियों को, इनको ही पता नहीं चला कि भाई दाना आ चुका है। भाई एक बार अपने खरगोश को देख लेता हूँ, खरगोश जड़ में बैठे हुए, आ जाओ। तो भाई खरगोश को मैंने रोटी अंदर ही डाल दी है, उनको अंदर ही बंद रखना है क्योंकि ना मैं अपने मुर्गी खोल लूँगा अभी। तो लीजिए भाई साहब हमारा, देखो रोक्सी कितने प्यार से खा रहा है भाई, मैंने उसको ब्रेड भी दिया है, आज ब्रेड भी खाने का क्योंकि भाई उससे पेट नहीं भरता ज़्यादा, खाली सेरेलेक्स है। और जो हमारी ल्यूना है, ल्यूना का भाई आज पेट भरेगा सही, देखो उसमें खा लो, उसमें अपना छोड़कर इसमें आती है भाई, देखो ब्रेड खाती है भाई शौक से पूरा। और ये भाई इसको ना एकदम नींद आ जाएगी, और गर्मी इतनी हो रही है भाई साहब पूछो मत कुछ भी। ये रहे खीरे, भूख लगी है क्या, भूख लगी है, लगी है भूख, ले लो मामा को डाल दिया भाई खीरे, ये देखो कितने प्यार से खाएंगे चूहे खीरे, चलो 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 खाओ 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 लेकर भाई। एक डर रही है भाई, इनके लिए मेल गिनी पिग ढूंढ रहा हूँ यार, मिल ही नहीं रहा मेरे भाई। मैं अभी मछली लेने के लिए गया था, उसको बोला भाई मैंने कि भाई मेल गिनी पिग ला के दो, बोला मैं ला के दूंगा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं गिनी पिग भाई। तो भाई छक लिए भाई हमारे हस्की डॉग, यार हस्की डॉग ने भाई हमारी बत्तख मार दी भाई, जा पढ़ ला इसके लिए, पढ़ लेगा थोड़ा सा, ठीक है पढ़ लेगा इसके लिए, जा मुश्किल बचे यार वो। और दूसरे वाली ओ क्या करा हो है, क्या करा हो यार, इसने मरे यार बस नहीं तो। क्या हुआ क्या हुआ, देखो वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया यार, ये नहीं ना कुछ, इसमें बंद कर, इसे सामने उठा ले, सामने उठा ले, जा ना पकड़ जरा, इसे पकड़ फोन को, तो यार इसने ना भाई बत्तखों को फाड़ दिया भाई, इतनी छोटी सी यार, इतनी खतरनाक हो सके कुछ सोच भी नहीं सकते यार, इतने छोटा इतना खतरनाक, क्या आयो हैं भाई, दोनों बत्तखे देखो यार क्या हाल करते बत्तखों का, मुश्किल बचे यार बत्तखे तो। फिलहाल गाइस चलिए इनको खाना देना ही है, आसान है दोनों डॉग्स को। तो इनका दोनों का जो सेरेलक वगैरह तैयार हो चुका है, इनको देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेड डाल दी मैंने, दो ब्रेड डाल दी इनके अंदर ताकि थोड़ा सही रह सके। और देखो कितना चिल्ला रहे भाई सामने, अभी मैंने क्या किया, क्या हुआ भाई क्यों नहीं खा रहा, ले यार इसका दहशत बैठ गई भाई, खड़ा इसका दहशत बैठ गई यार, ये क्यों नहीं खा रहा, ये तो खा रही भाई, ये नहीं खा रहा, इसको क्या हो गया, इसको तो नहीं पढ़ा इसने यार, इसको दहशत बैठगी भाई, इसने उसको पढ़ा ना, हवा तक मच गया होगा यहाँ तो भाई, इसको दहशत बैठगी, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, क्या हुआ यार, यार इसका दहशत बैठ गई भाई, इसका हैं?
यार मैं इनको खुला छोड़ गया, मैंने पार्क में डाल दी सारी बत्तखें। मैं सोच रहा था यार अंदर रहने की बत्तखें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो छोटी बत्तखें ना भाई उनमें भागा नहीं जाता बिल्कुल भी। कुत्ता इनके ऊपर कुछ चढ़ गया भाई, जाली के ऊपर कुछ चढ़ गया, अंदर चला गया और उनको फाड़ दिया भाई। यार बहुत गलत हुआ यार, बेचारे दो बत्तखें हमारी मुश्किल बचेगी सुबह तक यार, शायद मुझे लग रहा है। हल भी के लिए मैंने उनको दे दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो गाइज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अच्छी मिलते कल एक नए वीडियो साथ गाइज, आज के लिए बस इतना ही।